आज हम जो है कॉस्ट अकाउंटिंग का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है हमारा एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड क्लासिफिकेशन। इसमें हम जो है कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कॉस्ट में क्या क्या शामिल किया जाता है या कॉस्ट कितनी तरीके की हो सकती है। तो आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, कि कॉस्ट के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, कॉस्ट में किन किन चीजों को जो है शामिल किया जाता है। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट के जो तत्व है, लागत के तत्व है, उनको हम तीन मुख्य भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट आ गया आपका मटेरियल। जब भी किसी प्रोडक्ट को बनाया जाता है तो उसकी जो मेजर कॉस्ट है वो एज अ रॉ मटेरियल जो है यूज होती है। रॉ मटेरियल मींस कच्चा माल। तो अब आप कोई भी चीज बना रहे हो, कपड़ा बना रहे हो, तो उसके लिए रुई कच्चा माल होगी। अगर रेडीमेड गार्मेंट्स बन रहे हैं उसके लिए कपड़ा कच्चा माल माना जाएगा। तो वो जो है एक किसी भी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट में एक मेजर हिस्सा जो है वो उसका होता है। उस लागत में जो है मटेरियल का जो है वो मेन, सामग्री का जो है वो मेन हिस्सा जो है वो माना जाता है। तो जो मटेरियल की कॉस्ट होती है उसको भी फर्दर हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहली आ गई आपकी डायरेक्ट मटेरियल, दूसरी आ गई आपकी इनडायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? ऐसा कोई भी सामग्री जो कि प्रोडक्ट में मेन रूप से देखी जा सकती है और जिसके बिना प्रोडक्ट बनना जो है मुश्किल है। जैसे फर्नीचर के लिए लकड़ी, आप उसको सामने देख सकते हो कि लकड़ी से ही फर्नीचर बना है, या फिर रेडीमेड गार्मेंट्स के लिए कपड़ा। तो ये उसकी जो है मेन डायरेक्ट मटेरियल जो है, उसका मेन सामग्री जो है, जिसको हम मेन प्रोडक्ट में इजीली विजिबल होती है, इजीली देखी जा सकती है, उसको हम जो है डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। अब इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या आता है? ऐसी सामग्री जो कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए जरूरी तो है, पर उसमें जो है उसको साफ साफ देख के हम पहचान नहीं सकते कि कौन सी सामग्री का यूज जो है उसमें हुआ है। जैसे फर्नीचर का ही एग्जाम्पल देते हैं, लकड़ी तो उसमें मेन सामग्री डायरेक्ट मटेरियल यूज हुआ, लेकिन जब लकड़ी को जोड़ा गया तो उसमें फेविकोल और कील वगैरह जो लगाए गए वो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल माना जाएगा। इसी तरह रेडीमेड गार्मेंट्स का जो एग्जाम्पल दिया मैंने, कपड़ा उसमें डायरेक्ट मटेरियल होगा, लेकिन कपड़े की स्टिचिंग में जो धागा लगा होगा वो उसका इनडायरेक्ट, या बटन है वो उसके इनडायरेक्ट मटेरियल जो है माने जाएंगे। तो ये थी आपकी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में पहला एलिमेंट मटेरियल। सेकेंड एलिमेंट आता है आपका लेबर, यानी कि श्रम। तो श्रम भी किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट में मेजर हिस्सा जो है इसका भी रहता है। मटेरियल के बाद सेकेंड मेजर कॉस्ट जो है प्रोडक्ट की वो लेबर से ही होती है। तो श्रम जो है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स को बदलने के लिए जो है श्रम की जरूरत पड़ती ही है किसी भी प्रोडक्ट में। तो लेबर भी आपका दो तरीके का होता है, डायरेक्ट लेबर और दूसरा आ गया आपका इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर क्या होगा? जो कि रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए स्पेशल कैटेगरी के जो लेबर रखे जाते हैं उसको हम डायरेक्ट लेबर जो है बोलते हैं। जैसे आपका मशीन के संचालन के लिए स्पेशली लेबर रखा गया, जब प्रोडक्ट बन रहा है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में चेंज हो रहा है, तो जिस मशीन से वो प्रक्रिया होकर गुजर रही है उस मशीन को चलाने के लिए रखा गया। या फिर स्पेशल कैटेगरी के जैसे जो लेबर रखे जाते हैं जो आर्ट के लिए, कि उसी पर्टिकुलर कारीगर को वो काम आता है, तो वो भी आपका डायरेक्ट लेबर में शामिल किया जाएगा और इनको इनके काम के बदले में डायरेक्ट मजदूरी जो है वो दी जाती है। इनडायरेक्ट लेबर में आपका कौन सा आता है? जो कि डायरेक्ट रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स के उत्पादन में उनका किसी तरह का हाथ नहीं होता, फिर भी उनकी जरूरत जो है फैक्ट्री में हमें पड़ती है। जैसे कच्चे माल की सुरक्षा के लिए हमने स्टोर कीपर रखा है तो वो भी जरूरी है, वो रॉ मटेरियल को चेंज नहीं कर रहा है फिनिश गुड्स में, उसका प्रोडक्शन में कोई हाथ नहीं है, फिर भी रॉ मटेरियल की सुरक्षा के लिए जो है हमें वो रखना पड़ रहा है।
स्टोर कीपर रखना पड़ रहा है, गेट कीपर रखने पड़ रहे हैं, या सुपरवाइजर रखने पड़ रहे हैं जो कि प्रोडक्शन नहीं करते, सिर्फ चेक करते हैं कि लेबर अपना काम ढंग से कर रही है या नहीं कर रही है, तो वो सारा का सारा आपका इनडायरेक्ट लेबर में शामिल किया जाएगा। अब थर्ड मेजर एलिमेंट जो आता है वो आता है आपका कि मटेरियल और लेबर के अलावा जितने भी खर्चे होंगे वो आपके कॉस्ट के थर्ड एलिमेंट के तौर पे शामिल किए जाएंगे। लेबर और मटेरियल के अलावा कई हैं, जैसे रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक लाने के लिए जो है ट्रक किया जा रहा है तो उसका किराया दिया जा रहा है, फैक्ट्री किराए पे ली जा रही है, शोरूम किराए पे लिया जा रहा है, इंश्योरेंस करवाया जा रहा है मशीनरी का, तो वो सारे के सारे आपके अदर एक्सपेंसेस में शामिल किए जाएंगे। ये भी आपके दो तरीके के होते हैं, पहला डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट, कि ऐसा कोई भी खर्चा जो कि हमारा प्रत्यक्ष रूप से पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट पे शामिल किया जा सकता है कि इसी प्रोडक्ट को लिए जो है ये हमने यूज किया है, जैसे ट्रक में रॉ मटेरियल लाया गया तो वो सिर्फ जो है गारमेंट्स बनाने के लिए जो है रेडीमेड जो गारमेंट्स है उनको बनाने के लिए जो है उसका किराया खर्च किया गया, तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस माने जाएंगे कि वो सिर्फ उसी प्रोडक्ट में है। लेकिन स्टोर कीपर रखा गया तो उसके लिए जो है, या फिर जो डिलीवरी वैन है जिसमें हर तरह के प्रोडक्ट्स रेडीमेड गारमेंट्स के साथ साथ कंपनी जो दूसरे प्रोडक्ट बना रही है उसको भी वहां से फैक्ट्री से उठा के स्टोर रूम तक पहुंचाया जा रहा है, तो वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में शामिल किए जाएंगे। अब ये थे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, की कॉस्ट के लागत के मेन तत्व तीन है, पर जब हम जो है इनडायरेक्ट कॉस्ट को सबकी, चाहे वो लेबर हो, चाहे मटेरियल हो, चाहे अदर एक्सपेंसेस हो, जब तीनों इनडायरेक्ट कॉस्ट को मिला देते हैं तो वो हमारे बन जाते हैं ओवरहेड्स। मतलब अगर हम सिर्फ इनडायरेक्ट कॉस्ट को शामिल करें, डायरेक्ट को छोड़ दें, तो उनको टोटल को हम जो है ओवरहेड्स बोलते हैं, या इसको ऊपरी व्यय जो है बोलते हैं। ये हमारे अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिला के जो है बनाए जाते हैं। अब जो है ओवरहेड्स को हम जो है तीन कैटेगरीज में फर्दर बांट सकते हैं, जितने भी मींस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, मटेरियल, लेबर या अदर एक्सपेंसेस, उसको हम तीन मेजर कैटेगरीज में जो है बांटते हैं। फर्स्ट आ गई आपकी फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऐसे ओवरहेड्स जो कि प्रोडक्शन की जगह, जैसे फैक्ट्री है जहां प्रोडक्शन हो रही है वहां पे किए जा रहे हैं, ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि फैक्ट्री में हो रहे हैं उसको हम फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है बोलते हैं। जैसे हमारा फैक्ट्री का किराया दिया जा रहा है, मशीनरी का इंश्योरेंस करवाया जा रहा है, तो ये सारी चीजें, ये सारे खर्चे जो है हमारे प्रोडक्शन की जगह पे हो रहे हैं तो उसको हम फैक्ट्री ओवरहेड्स के नाम से जो है जानते हैं। इनको और भी नामों से जाना जा सकता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, वर्क ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, तो आप किसी भी नाम से जो है इसको बोल सकते हो। सेकंड आ गया आपका ऑफिस ओवरहेड्स, नाम से ही पता चल रहा है ये खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ पे हो रहे हैं, ऑफिस में। तो ऑफिस में जब रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं तो उसके लिए बही खाते, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के जो है वो सारे खर्चे जो हैं आपके ऑफिस ओवरहेड्स में शामिल किए जा रहे हैं। ऑफिस में टेलीफोन लगा है उसका बिल आ रहा है, या बिजली है खर्च हो रही है उसका बिल आ रहा है, कंप्यूटर्स लगे हैं उनके जो है रिपेयरिंग में खर्चा आ रहा है, तो वो सारे के सारे आपके ऑफिस ओवरहेड्स में शामिल किए जाएंगे। कार्यालय ऊपरी व्यय, इसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव और एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस भी, ओवरहेड्स भी बोलते हैं। और जो लास्ट आ गया वो आ गया आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ये भी नाम से पता चल रहा है कि जब सेल को बढ़ाने के लिए किसी तरह का खर्चा किया जाता है, सेल करने के लिए किसी तरह का खर्चा किया जाता है,
तो वो आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में शामिल किया जाता है। इसमें आपका फैक्ट्री में जब फिनिश गुड्स तैयार हो गए उसके बाद उसको जो है उनके कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो डिलीवरी वैन की जा रही है उसका किराया, या फिर जो एडवर्टाइजमेंट की जा रही है उसका किराया, तो वो सारे के सारे आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में शामिल किए जाएंगे। तो ये थे आपके मेजर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, की कॉस्ट के कौन कौन से तत्व हैं, जिसमें मैंने बता दिया मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस मेजर तौर पे आप बांट सकते हो। फिर उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के तौर पे बांटा जाता है, और जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं वो आपके ओवरहेड्स कहलाते हैं। ओवरहेड्स को उनके काम के अकॉर्डिंगली कि कहाँ पे खर्च हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली, ऑफिस में खर्च हो रहे हैं तो ऑफिस ओवरहेड्स, फैक्ट्री में खर्च हो रहे हैं तो फैक्ट्री ओवरहेड्स, और सेल के लिए खर्च किए जा रहे हैं तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में बांटा जा सकता है। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उस पॉइंट को जो है फिर से क्लियर कर दूंगी। थैंक यू।